नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। अगर बात करें इस खासकर देश की आज़ादी की, तो बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया था। महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ऐसे अनगिनत नाम हैं जो हम लोग और छोटे छोटे बच्चे आजकल जानते भी नहीं हैं। लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए, सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान सुभाष चंद्र बोस जी का रहा है भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को अभी भी लोग इतना याद नहीं करते और अभी लोग उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते। लेकिन ऑल इंडिया लीगल एड फोरम हर वर्ष कोई ना कोई कार्यक्रम करती है और हर वर्ष उनका एक कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप में होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया जाता है, उनकी जीवनी बताई जाती है, उनका योगदान हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए बताया जाता है और सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या दिया है इस भारत को, वो सबको बताया जाता है उस कार्यक्रम में। इस बार भी 30 नवंबर को ऑल इंडिया लीगल एड फोरम सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक प्रोग्राम करने जा रही है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, और बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जी की फैमिली के भी कई सदस्य, कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितना ज़्यादा काम इस दिल्ली में और भारत देश में हो रहा है, उनको भी ये चीज़ समर्पण है कि वाकई में ही नरेंद्र मोदी जी भी ये देखकर खुश होंगे कि ऑल इंडिया लीगल एड फोरम ने क्या काम कर दिखाया है। मेरे साथ मौजूद है ऑल इंडिया लीगल एड फोरम के बहुत ही सीनियर मेंबर और कह सकते हैं तो इसके फाउंडर जॉय मुखर्जी। सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं समाचार न्यूज को बहुत बहुत बधाई करता हूँ। हर साल ये जो हम लोग का ऑल इंडिया लीगल एड फोरम का जो सुभाष चंद्र बोस का ऊपर जो प्रोग्राम होता है, इसमें सब मॉरल सपोर्ट करता है। सर, सबसे पहले यही सवाल रहेगा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं और उनको इतना ज्यादा दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि देखा जाए तो गांधी जयंती और जवाहरलाल नेहरू टीचर्स डे, हर चीज मनाई जाती है, चिल्ड्रंस डे जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर मनाया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, सुभाष चंद्र बोस इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ, इसका ट्रू लिबरेटर है। और आज जो आज़ादी मिला, ये आज़ादी सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ, क्योंकि ब्रिटिश जब 1947 में देश छोड़ के चला गया था, तो इसका जो मेन कारण थे वो आज़ाद हिंद फौज का कंट्रीब्यूशन। सर, सुभाष चंद्र बोस ने जो सशस्त्र मूवमेंट किया था ब्रिटिश का अगेंस्ट में, इसलिए ब्रिटिश लोग 1947 में देश छोड़ के चला गया था और आज़ादी मिला था। सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज जो टोटली सेकुलर एक फोरम थे, जिसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, पारसी, सियाई सब लोग जो मेंबर थे और आज़ाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उसको 1945 में और 1943 में जो ब्रिटिश का अगेंस्ट में जो लड़ाई किया था, इसमें अंदमान निकोबार ने कैप्चर किया, कोहिमा तक आ गया था, लेकिन उस टाइम हिरोशिमा नागासाकी में जो बम ब्लास्टिंग हुआ था, परमाणु बम ब्लास्टिंग हुआ था, इसलिए उसको आगे नहीं आया उसको। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन सर आज़ाद हिंद फौज के ऊपर और देश का आज़ादी के लिए, ये बहुत ज़्यादा है, सबका लीडर से ज़्यादा है। तो इस साल आज़ाद हिंद फौज का 75 साल का पूर्ति उत्सव है ऑल ओवर इंडिया में, स्पेशली इन बंगाल में। ये बहुत रेस्पेक्ट से हम लोग जो स्वतंत्रता सैनिक जो आज़ाद हिंद फौज का थे, जो वीर सेनानी थे, उन लोग को हम लोग याद किया था। लास्ट साल 21 अक्टूबर में आज़ाद हिंद फौज का जिस दिन प्रतिष्ठा दिवस है, उस दिन भारत का प्रधानमंत्री लाल किला में भी झंडा उठा के सुभाष चंद्र बोस को रेस्पेक्ट दिया। लेकिन इस साल कुछ प्रोग्राम दिल्ली में नहीं हुआ, तो हम लोग ऑल इंडिया लीगल एड फोरम का तरफ से नेक्स्ट 30 नवंबर को दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब स्पीकर हॉल में आज़ाद हिंद फौज का जो 75 ईयर्स क्लोजिंग सेरेमनी है, इसका हम लोग पूर्ति उत्सव पालन करेंगे। इसमें सुभाष चंद्र बोस का भातीजा आएंगे, जो चित्रा घोष, जिसका सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है, तो वो भी आएंगे और सुभाष चंद्र बोस का परिवार का लोग भी आएंगे। सर, ऑल इंडिया लीगल एड फोरम कब बनी थी और किस तरह से ये काम करती है, क्योंकि ऐसी कोई भी और फोरम, कोई भी एनजीओ नहीं है जो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर इतना ज़्यादा काम करती हो, ऐसी पहली फोरम है और आपके द्वारा जितना ज़्यादा काम किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के लिए, उतना कोई भी फोरम नहीं करती। नहीं, ऑल इंडिया लीगल एड फोरम 1997 में उनका फाउंडेशन हुआ था, मेरा हर्षी फाउंडेशन हुआ था, मैं अभी उनका सेक्रेटरी हूँ। और हम लोग का साथ जुड़ा हुआ भूतपूर्व विचार न्यायाधीश
एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और भी पुलिस का आदमी, आर्मी का आदमी, सब लोग हैं जो जो ये ऑल इंडिया लीगल एड फोरम का हम लोग का मोटो ही है, देश का जितना फ्रीडम फाइटर है इनको जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, कॉन्ट्रीब्यूशंस को आजकल जो आम आदमी है या आम आदमी का पास इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस को जानना चाहिए, ये लोग ये काम हम लोग कर रहे हैं। और स्पेशली सुभाष चंद्र बोस का इतना जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है देश की आज़ादी के लिए, ये आजकल का जो सिटीजन है और आजकल का जो देश देश का जो आदमी आम आदमी है इसको नहीं मालूम हुआ, क्योंकि सिलेबस में आज़ादी फौज और सुभाष चंद्र बोस का अच्छा करके कोई पैराग्राफ नहीं है, अच्छा करके कोई उसके ऊपर कल्चर भी नहीं है हुआ, ये बहुत दुख का बात है। तो इसलिए हम लोग ये काम लास्ट 20 साल तक काम कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी के लिए, उनका जो मूल्यबोध है, उनको जो देश प्रेम है, इसको सबका सामने आना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट का पास अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का जो 23 जनवरी उनका जो बर्थडे है, ये बर्थडे को सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे को देश प्रेम दिवस जैसा नामकरण करना चाहिए। और जनपथ में राजपथ जिधर इंडिया गेट है, इधर सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू होना चाहिए, क्योंकि जो आज़ादी आज मिला जो उस सुभाष चंद्र बोस के लिए है, देखिए सुभाष चंद्र बोस का ऊपर जितना रिस्पेक्ट उनको देना चाहिए था तो उनका 70 साल हो गया, नहीं हुआ। और जो आज़ादी फौज का जो जो डेडिकेटेड वर्कर्स थे, जैसा कर्नल धीनर, कर्नल साइगल, कर्नल लक्ष्मी साइगल, कर्नल धीलन, हबीबुर रहमान, ऐसा जो उनका जो सुभाष चंद्र बोस का जो एसोसिएट्स थे उनका भी अच्छा रिस्पेक्ट नहीं मिला स्वाधीन भारत पर। जिस सेंट्रल गवर्नमेंट जब भाजपा गवर्नमेंट सत्ता में आने का पहले उन्होंने बोला जो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो हम लोग पावर में आएंगे तो रिस्पेक्ट करेंगे उसको, उसका प्रॉपर रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आज तो 6 साल का आसपास तो भाजपा गवर्नमेंट सेंटर में है, तो मिनिमम तो लाल किला का सामने जो सबसे बड़ा हम लोग का सिंबल है सुभाष चंद्र बोस ने बोला दिल्ली चलो तुम हमको खून दो मैं तुमको आज़ादी देंगे, तो इनका स्टैचू तो कम से कम लाल किला का सामने होना चाहिए तो मिनिमम रेस्पेक्ट के लिए। और एक मिनिमम मेमोरियल तो होना चाहिए, जैसा इधर इंदिरा गांधी का मेमोरियल है, नेहरू का मेमोरियल है, सब गांधी का मेमोरियल है, सुभाष चंद्र बोस का क्यों मेमोरियल नहीं है? तो हम लोग भी सरदार पटेल जी का तो इतना बड़ा स्टैचू हुआ, ठीक है वो तो बहुत रिस्पेक्टेड लीडर थे उनका हुआ, मेरा कोई वही नहीं है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का तो मिनिमम कम से कम एक स्टैचू होना चाहिए। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिफेंस को और सेंट्रल कैबिनेट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ आपका मीडिया का अंदर माध्यम से कि सुभाष चंद्र बोस का एक जनपद में स्टैचू होना चाहिए। दूसरा चीज़ जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति क्या हुआ, वो कहाँ चला गया? विमान का जो प्लेन एक्सीडेंट है ये तो फॉल्स थ्योरी है, प्रमाण हो गया, प्रूव हो गया, क्योंकि जस्टिस मुखर्जी कमीशन का जो रिपोर्ट जो सामने आया था तो उन्होंने बोल दिया क्लियर था जो सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश 1945 में उनका डेथ नहीं हुआ, लेकिन उसका बाद कहाँ चला गया सुभाष चंद्र बोस? तो हम लोग का पास जितना रिपोर्ट है, जितना डॉक्यूमेंट्स आ गया, तो उनका अंतिम परिणति रशिया में हुआ और स्टालिन का कस्टडी में साइबेरिया में हुआ, मेरा साथ सुब्रमण्यम स्वामी भी सहमत हुआ जो इसका इसका जो उनका अंतिम परिणति क्या हुआ, वो कहाँ चला गया, इसको तो फाइल जो गवर्नमेंट का पास है अभी तक 41 फाइल, इसको डिक्लासिफिकेशन करनी होगा। तीसरा चीज़ जो है, आज जो झूठा काम झूठा बात चल रही है, ये जो फैजाबाद का कोई बाबा गुमनामी नाम करके इसको सुभाष चंद्र बोस सजा के सुभाष चंद्र बोस को उसको प्रोजेक्ट करके जो काम कुछ आदमी कर रहा है सो कॉल्ड रिसर्च वर्क कर रहे, ये झूठा काम है, ये लोग विदेशी फंड फॉरेन फंड्स लेके ये सब काम कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस को साधु बाबा बनाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ऐसा आदमी नहीं थे जो सुभाष चंद्र बोस चुपने चुप के रखने के चुप चुप के रखेंगे उड़ाएंगे और साधु बाबा को के वो 40 साल जिंदा रहेंगे, ऐसा सुभाष चंद्र बोस लीडर नहीं थे, क्योंकि देश का उनका जरूरी थे। तो इसलिए ये जो गुमनामी बाबा इज ए फॉल्स थ्योरी, ये गुमनामी बाबा नाम करके ये लोग झूठा मिथ्याचारिता करता है, इसका अगेंस्ट में भी हम लोग का भी प्रोटेस्ट है।
तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो लोग गुमनामी करता है इसको भी, इसका इंटेंशन क्या है, कहाँ से इसका फंड मिल रहा है, इसको भी देखना चाहिए। और हम लोग का गवर्नमेंट का पास प्रेयर है, जो 41 क्लासिफाइड फाइल है सुभाष चंद्र बोस को अंतिम परिणति के लिए, इसको पब्लिश करना चाहिए। और आज़ादी फौज का जो इस साल 75 ईयर्स उनका सेलिब्रेशन है, मैं गवर्नमेंट को विनती करेंगे जैसे इंडिया गेट का नाम आज़ादी फौज का नाम में करना चाहिए। जी, इंडिया गेट में जिसका नाम है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश का आदमी जो मर गया उनका नाम है, लेकिन देश के आज़ादी के लिए जो आज़ादी फौज का जो लीडर लोग जो मर गया, 25,000 पीपल्स वर किल्ड बाई ब्रिटिश इन आज़ादी फौज, इनका नाम इंडिया गेट का सामने एक मेमोरियल होना चाहिए। ये देश के देशप्रेम, देश का स्वतंत्रता और देश के ऊंचा उनका जो मेमोरी, इसको रखने के लिए करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बहुत अच्छी बात है। और ऑल इंडिया लीगल एड फोरम जिस तरह से काम कर रही है और आगे भी इस तरह से करती रहेगी, सुभाष चंद्र बोस के लिए वाकई में ही केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा स्टैचू उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा बना के खड़ा कर दिया गया है, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा रुबाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वाकई में ही बहुत काम किया था। लेकिन इसी तरह सुभाष चंद्र बोस जी को हम नहीं निग्लेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने देश की आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सक्रिय योगदान अपना दिया है। लेकिन ऑल इंडिया लीगल एड फोरम हर वर्ष ये कार्यक्रम करती रहती है और 30 नवंबर को बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होने जा रहा है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, जरूर आइए और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सी आपको जानकारी प्राप्त होगी। मैं कैमरामैन सोहेल के साथ हनी सहगल, दिल्ली।